दोस्तों, फिल्मी दुनिया के सितारों की जीवनी के इस सफर में आज हम फिर से एक ऐसी अदाकारा की कहानी लेकर आए हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल उसकी शुरुआती जीवन काफी अच्छा रहा और उसकी शुरुआती फिल्मी करियर भी काफी अच्छा रहा, लेकिन समय के साथ उसके अभिनय करियर का ग्राफ नीचे गिरने लगा और वो धीरे धीरे फिल्मों से दूर होती चली गई। हालांकि उसने अपने अभिनय करियर में अपने अभिनय से दर्शकों को काफी रोमांचित किया। जी हाँ, और हम बात कर रहे हैं फिल्म हम आपके हैं कौन में रीता की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री साहिला चड्ढा के बारे में, जिन्होंने बेहद ही यंग एज में मिस इंडिया का खिताब जीतकर सभी को हैरान कर दिया। ज्यादातर लोग उन्हें नहीं जानते क्योंकि वो एक लीड हीरोइन के तौर पर खुद को स्थापित नहीं कर पाई और ना ही उनका ज्यादा फेमस रोल है। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन के साथ साथ उनके फिल्मी करियर में हुए अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताएंगे और आज के समय वो क्या करती हैं इसका भी जिक्र करेंगे। इसलिए जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, उनका जन्म मुंबई में एक फिल्मी बैकग्राउंड परिवार में हुआ था। उनके जन्म की सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन खबरों के अनुसार उनका जन्म 1 जुलाई को हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार थी। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कम उम्र से ही मॉडलिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया और जिसमें वो कामयाब भी हुई। उन्होंने आगे कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की और साल 1983 में मिस इंडिया का खिताब भी अपने नाम किया। मिस इंडिया का टाइटल जीतने के बाद वो एक चर्चित चेहरा बन गई थी, जिसे देखते हुए उन्होंने फिल्मों में कदम रखने का फैसला किया। हालांकि मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद वो मॉडलिंग करती रहीं और अपने माता पिता की मदद से उन्होंने साल 1985 में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने हिंदी फिल्म आई लव यू से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसके निर्देशक थे प्रकाश वर्मा, और उसके अगले ही साल वो एक और फिल्म में नजर आईं जिसका शीर्षक था नासमझ। खैर, इन दोनों फिल्मों से उन्हें कुछ खास ज्यादा फायदा नहीं हुआ और उन्होंने साल 1986 में आई एक कन्नड़ फिल्म में भी अभिनय किया जिसका शीर्षक था अफ्रीका डली शीला। इसमें वो मुख्य भूमिका में नजर आईं। उन्होंने इसमें शीला की मुख्य भूमिका निभाई थी, जबकि उनके अपोजिट अभिनेता चरण राज शंकर की भूमिका में नजर आए। आपको बता दें कि ये पहली इंडियन फिल्म थी जिसे अफ्रीकन जंगल में शूट किया गया था। इसी तरह वो साल 1987 में आई तमिल फिल्म में भी नजर आईं। दोस्तों, अगर बात करें उनके हिंदी फिल्मों की तो साल 1988 में वो एक और हिंदी फिल्म में नजर आईं जिसका शीर्षक था वीराना। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म थी जिसे रामसे ब्रदर्स श्याम और तुलसी रामसे ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में जैस्मिन धुन्ना जैस्मिन की मुख्य भूमिका में नजर आईं और अन्य मुख्य कलाकारों में हेमंत बिरजे शाहिला चड्ढा जैसे कलाकार भी नजर आए। शाहिला ने इसमें साहिला की ही भूमिका निभाई थी। इन सभी के अलावा इस फिल्म में कई अन्य कलाकारों ने भी अपना अहम योगदान दिया था, जिसमें कुलभूषण खरबंदा, सतीश शाह, विजेंद्र घटके, गुलशन ग्रोवर, लीला मिश्रा, विजय अरोड़ा और राजेंद्र नाथ जैसे एक सहायक कलाकार शामिल थे। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा प्यार मिला और यह अपने बजट से अधिक कमाई करने में सफल रही। साथ ही इस फिल्म से शाहिला चड्ढा को भी काफी ज्यादा फायदा हुआ। फिल्मकारों के साथ साथ अब दर्शक भी उन्हें थोड़ा बहुत पहचानने लगे। आगे चलकर उन्हें अन्य हिंदी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला और उन्होंने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। जी हाँ, साल 1989 में आई फिल्म नाचे नागिन गली गली जैसी ड्रामा फिल्म में उन्हें कास्ट किया गया। हालांकि वो इस फिल्म में भी सेकेंड लीड हीरोइन के तौर पर ही नजर आई। इस फिल्म को मोहनजीत प्रसाद द्वारा निर्देशित किया गया था और बीके जायसवाल द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें मीनाक्षी शेषाद्री मोहिनी की मुख्य भूमिका में नजर आईं और साहिला चड्ढा रूप की भूमिका में नजर आईं। वहीं पर अभिनेता नीतीश भारद्वाज नागेश और कमल की दोहरी भूमिका में नजर आए। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से एक औसत प्यार मिला और ये फिल्म औसत कमाई ही कर पाई। इसके बाद उन्होंने कुछ अन्य फिल्मों में भी काम किया, जिनमें 100 साल बाद, अजनबी साया, सैलाब, प्यासी निगाहें, करिश्मा किस्मत का, जान लड़ा देंगे, भाभी, धर्म संकट, माँ, दौलत की जंग, बोल राधा बोल, कायदा कानून, शतरंज, चांद का टुकड़ा और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन उनके अभिनय के लिए काफी अच्छी रही और इसमें निभाया गया उनका रोल वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोल है। जी हाँ, फिल्म हम आपके हैं कौन एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित किया गया था और इसे राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित किया गया था। इस फिल्म में सलमान खान और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। दोनों के अलावा मोनिश बैल, रेणुका शाहने, अनुपम खेर, आलोक नाथ, रीमा लागू, प्रिया बेड़े, अजीत बचानी और दिनेश हिंगू जैसे कलाकार भी शामिल थे। वहीं शाहिला चड्ढा रीता की सहायक भूमिका में नजर आई। इस फिल्म से इन्हें काफी लोकप्रियता हासिल हुई और वे दर्शकों के बीच एक चर्चित चेहरा बन गईं।
हालांकि फिल्म में कई अन्य कलाकारों की वजह से वो सीधे तौर पर उभर कर सामने नहीं आ सकी और आगे भी उन्हें ज्यादातर फिल्मों में एक सपोर्टिंग रोल ही मिला। खैर, बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से काफी प्यार मिला और ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। हम आपके हैं कौन से सुर्खियां बटोरने के बाद साहिला ने 90 के दशक के अंत तक कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया, जैसे अब इंसाफ होगा, नमक, तिरछी टोपी वाले और आंटी नंबर वन। हिंदी, कन्नड़ और तमिल भाषाओं की फिल्मों के अलावा वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी नजर आई। हालांकि अपने अभिनय करियर के शुरुआती दौर में ही वो भोजपुरी फिल्म में नजर आ चुकी थी, जिसका शीर्षक था दगाबाज बालमा, जो साल 1987 में रिलीज हुई थी। 2000 के दशक में दो चार और फिल्मों में अभिनय करने के बाद साहिला चड्ढा ने 2014 में जिंदगी कैसी है पहली शॉर्ट फिल्म में अभिनय करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। दोस्तों, बात करें उनके निजी जीवन की तो फिलहाल के लिए साहिला चड्ढा तलाकशुदा हैं और अपनी बेटी के साथ रहती हैं। उनके पति का नाम निमाई बाली था, जो एक अभिनेता है और कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाते हैं। आपको बता दें कि दोनों की एक बेटी है जिसका नाम प्रिंसेस बाली है, जो फिलहाल के लिए अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। खबरों के मुताबिक साहिला और उनके पति के बीच कुछ समय से मनमुटाव चल रहा था और इसलिए उन्होंने साल 2017 में उनसे अलग होने का फैसला किया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उनके पति को लगता था कि उनका अफेयर है, जबकि साहिला को भी यही लगता है कि उनके पति का किसी अभिनेत्री के साथ अफेयर है। वैसे यहां पर हम नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते। बहरहाल, साहिला चड्ढा के माता पिता की बात करें तो उनके पिता विमल चड्ढा फिल्म इंडस्ट्री में एक जाने माने निर्देशक थे। वहीं खबरों के मुताबिक उनकी माँ देवेंद्र कुमारी राठौड़ राजस्थान के एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। साहिला के दो भाई बहन हैं। भाई का नाम राज राठौड़ है जबकि बहन का नाम अनुसुईया राठौड़ है, जो एक बैली डांसर है। दोस्तों, खबरों के मुताबिक फिल्मकार देवानंद, विजय आनंद और चेतन आनंद रिश्ते में उनके चाचा लगते थे। ये रिश्ता साहिला के पिता के जरिए था, ना कि उनकी माँ विजेंद्र कुमारी राठौड़ के जरिए। खैर, वीडियो में आगे बढ़े तो साहिला एक मंची हुई अभिनेत्री थी, लेकिन धीरे धीरे वो फिल्मों से दूर होती गईं और एक समय ऐसा भी आया कि वो हमेशा हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर चली गई और अपने घर गृहस्थी को संभालने लगी। आज के समय तो वो फिल्मी दुनिया में नहीं है, लेकिन एक सोशल वर्कर के तौर पर वो समाज में अपना योगदान दे रही हैं। अगर आपको बता दें कि खबरों की माने तो वो एक इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर भी काम करती हैं। आज के समय वो अपने जीवन में काफी खुश हैं और मुंबई में ही रहती हैं। दर्शक आज भले ही उनको ना जानते हों और ना ही पहचानते हों, लेकिन हम आपके हैं कौन की रीता को तो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, अभिनेत्री साहिला चड्ढा ने अपने अभिनय से दर्शकों को काफी रोमांचित किया, लेकिन अपने अभिनय करियर को वो और अधिक लंबा लेकर जाने में असफल रहीं। आज हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।